नमस्ते मित्रों, करियर एट ए ग्लांस और जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ट्वेल्थ उसका कंटिन्यूस लेक्चर। हम 12वीं के बाद एयरफोर्स में ग्रुप एक्स एंड वाई एयरमैन बन सकते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अगली जानकारी, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है और इसका एग्जाम कैसा कंडक्ट करते हैं ये देखते हैं। जेंटलमैन, इसका एग्जामिनेशन इंडियन एयरफोर्स स्टार्स करके ऑनलाइन एग्जाम प्रोसीजर रहता है, ये टू फेज में रहता है। इसके अलावा ये ऑनलाइन एग्जाम टू फेज के अलावा आपको फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। ये मैंने इधर दिया है, टू फेजेस प्लस फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेडिकल टेस्ट। जेंटलमैन, इसका प्रॉपर प्रोसीजर यह है कि पहले रिटन टेस्ट होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट आंसर, और दोनों लैंग्वेज में रहता है एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहता है। तो पहले रिटन टेस्ट, देन फिजिकल एफिशिएंसी, देन अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 और मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपको एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, उसको बोलते हैं ASC, नियर बाय ASC सेंटर को आपको जाके देना है। ASC सेंटर भारत में, पूरा भारत में 14 है, तो वो इवनली स्प्रेड किया है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कानपुर, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर न्यू दिल्ली, ऐसे तरह से टोटल 14 है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बरकपुर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, कोची और एयरमैन सिलेक्शन सेंटर भोपाल, ये टोटली 15 नंबर है, एक्सेप्ट 13, तो ऐसे टोटल 14 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, उधर जाके आपको मेडिकल टेस्ट करवाना है। बाकी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन फी है ₹250, ये ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो चालान भर के एक्सिस बैंक में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मेडिकल मिनिमम फिजिकल क्राइटेरिया 122.5 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद फूलना चाहिए, और आपका वेट हाइट और एज के प्रोपोर्शन में चाहिए। जेंटलमैन, इसमें ग्रुप एक्स में पे स्केल 33,100 बेसिक पे रहता है, और ग्रुप वाई में 26,900 बेसिक पे है। ग्रुप एक्स के लिए आपको इंग्लिश 20 क्वेश्चंस और मैथ्स 20 क्वेश्चंस, ये NCERT सिलेबस 12 स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंट आपको फॉलो करना है। टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन 60 मिनट में देना है, मतलब ग्रुप एक्स के लिए 60 मार्क और ग्रुप वाई के लिए 45 मार्क्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये टेस्ट देना है। ग्रुप वाई के लिए रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, ऐसा टोटल 50 मार्क्स का 45 मिनट्स में अपेयर होना है। और जनरल एयरमैन एक्स एंड वाई के लिए मैथ्स 25 क्वेश्चंस रहता है, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस और फिजिक्स 25 क्वेश्चंस, ऐसा टोटल 100 मार्क्स का 85 मिनट में आपको अपेयर करना है। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। जेंटलमैन, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करके आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है और आप एयरमैन बन सकते हैं एक्स या वाई ग्रुप में। आपके लिए शुभकामनाएं और शुभेच्छा के साथ, ये मंगल शुभकामना के साथ, ये गुड डे, गुड बाय।